अच्छा, क्वेश्चन हम कर रहे थे इस लास्ट टाइम कि हमारे पास क्या, हम देख रहे थे एफ रीमान सिलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो ए बी इंटरवल पे, तो उसके जो हम सब इंटरवल्स दो अगर ले लें ए सी और सी बी, तो उस उन पे भी इंटीग्रेबल होगा, ये हमने देखना था। हमने सपोज किया लेट से एफ जो है वो इंटीग्रेबल फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो देन हमने कंडीशन पढ़ी हुई है पहले इफ़ एंड ओनली इफ काशी क्राइटेरियन होल्ड करे। काशी क्राइटेरियन क्या है कि कोई भी आप एप्सिलॉन कंसिडर करें तो उसके लिए आपके पास एक पार्टीशन पी होगी सच दैट अपर सम माइनस लोअर सम विद रिस्पेक्ट टू दैट पार्टीशन इज़ लेस देन एप्सिलॉन। इसके बाद हमने सी पॉइंट जो है वो एक पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड कर लिया जो हमारे पास पार्टीशन पी है उसी में, और हमने नई पार्टीशन पी स्टार बना ली जो कि रिफाइनमेंट है पी की, बाकी सारे पॉइंट्स एज इट इज़ हैं, जस्ट हमने सी एक न्यू पॉइंट ऐड किया है। और रिफाइनमेंट के लिए हम रिज़ल्ट प्रूव कर चुके हैं। क्या रिज़ल्ट हमने देखा था कि जो अपर और लोअर सम्स होते हैं, यानी जनरली आपने क्या देखा था कि जो अपर लोअर सम होता है रिफाइनमेंट वाले का, चूंकि वो ज़्यादा रिफाइंड होता है तो वो हमारे पास ग्रेटर देन होता है जो जनरल पहले वाली जो प्री पार्टीशन है जो ओल्ड पार्टीशन उससे, और चूंकि जो पार्टीशन इट्सेल्फ अपने ही में इनमें क्या रिलेशन होता है, जो लोअर सम होता है इस पार्टीशन पी स्टार के कॉरिस्पॉन्डिंग, ये हर पार्टीशन के कॉरिस्पॉन्डिंग जो लोअर सम होता है वो लेस देन होता है अपर सम से, और ये किससे लेस देन होगा, ये लेस देन इक्वल होगा जो हमारे पास अपर सम है जर्नल पार्टीशन जो पहले ओल्ड वाली पार्टीशन थी उसका। इसको हमने बड़ी डिटेल से पहले डिस्कस किया हुआ है कि किस तरह से और ये क्यों होते हैं, ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर लिया है यहाँ पे, इसलिए हम सिर्फ यूज़ करेंगे इनको, हम दोबारा इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जाएंगे। इट मीन्स कि अगर हम कंसिडर करें अपर सम माइनस लोअर सम, अपर सम किसके रिस्पेक्ट से पी स्टार एफ, और माइनस लोअर स्टार विद रिस्पेक्ट टू पी स्टार, लोअर सम ऑफ पी स्टार यानी लोअर सम कंसिडर करें, तो ये क्या होगा, ये लेस देन होगा, लेस देन इक्वल होगा किस से, यहाँ पे हमने इससे बड़े वाला सम लिखा और इसमें से जो माइनस की हमने चीज़ वो इस सम इस वाले से छोटी चीज़ माइनस की, यानी ये वाला जो लोअर सम आ गया ये आ जाएगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा। हमने क्या किया है, ये अपर सम है इससे बड़ा अपर सम हमने यहाँ पे लिख लिया क्योंकि हमने यहाँ से ये रिलेशन यूज़ किया है, और यहाँ पे जो हमने चीज़ माइनस की है अब इस अपर सम में से जो क्वांटिटी हमने माइनस की है वो हमने स्मॉलर देन दिस माइनस की है, यहाँ पे जो हमने माइनस की ये वाली माइनस की बड़ी माइनस वाली माइनस की और यहाँ उससे छोटी वाली माइनस की, इसलिए ये हमारे पास जो अपर सम माइनस लोअर सम है पी स्टार का ये लेस देन होगा जो जर्नल हमारे पास जो पहले वाली ओल्ड पार्टीशन है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग। लेकिन इसके लिए हमने क्या देखा है, इसके लिए हम कह चुके हैं कि ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। इट मींस ये अगर लेस देन है एप्सिलॉन से तो दिस इम्प्लाइज जो पी स्टार का अपर सम माइनस लोअर सम ये भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से, क्योंकि ये वाला जो है इससे भी छोटा है इसलिए ये भी लेस देन आ गया एप्सिलॉन से। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे नेक्स्ट। अब हम कंसिडर कर लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ तक आ गया, हम क्या करते हैं अब, ये तो जनरल हमने बताया लेट्स से पी वन और पी टू दो
कोई और दो पार्टीशंस हैं, लेट पी वन जो है वो पार्टीशन है कौन से इंटरवल, ए सी इंटरवल की, और पी टू जो है ये पार्टीशन है सी बी इंटरवल की। हमने क्या किया, दोनों की पार्टीशन ले ली है। पार्टीशन के लिए अब हम इन दोनों पार्टीशंस का अगर हम यूनियन ले लें, पी वन यूनियन पी टू, इसको नाम दे दें पी थ्री का, ये क्या है, कॉमन रिफाइनमेंट है पी वन पी टू की। ये पी थ्री क्या हो जाएगी, रिफाइनमेंट पी वन पी टू की, किस इंटरवल पे, ए बी इंटरवल पे। तो इट मींस कि हमारे पास क्या आएगा इस केस में, जो हम अपर सम अगर कंसिडर करें पी थ्री का, ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, क्योंकि पी वन क्या है, जस्ट मैं आपको बताती हूँ, लेट्स से ये ए और बी इंटरवल है और ये पॉइंट सी है। पी जो वन जो पार्टीशन है वो जस्ट हमारे पास ए से सी इंटरवल की पार्टीशन है, और जो पी टू है ये सी से बी इंटरवल की पार्टीशन है। तो अब हमारे पास जो अपर सम है पी थ्री, यानी पी थ्री क्या है, ए से बी पूरे इंटरवल की पार्टीशन, लेकिन कौन सी पार्टीशन है, वो इन्हीं दोनों की यूनियन लिया हुआ है, जो यहाँ पे पार्टीशन ऑलरेडी हो चुकी है उसको कलेक्टिवली कंबाइन पूरा कंसिडर कर लिया है बस। इसलिए जो अपर सम है पी थ्री, यानी पूरे इंटरवल की जो ये पार्टीशन हैं, वो किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, अपर सम पी वन, यानी जो यहाँ पे पहले वाले पॉइंट्स हैं उनका अपर सम, प्लस जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनका अपर सम आ जाएगा, क्योंकि वही पार्टीशन है। इसलिए हमारे पास इसका पहले ए से सी वाला जो पोर्शन है उसका अपर सम, प्लस हमारे पास सी से बी वाला जो पोर्शन है उसका अपर सम, ये हमने ऐड कर लिया, क्योंकि पार्टीशन तो वही है, वही पॉइंट्स हैं, और उनको कलेक्टिवली हमने कहा था कि वो पी थ्री है, तो कलेक्टिवली जब आप ओवरऑल सम लेंगे तो उसको हम अपर सम विद रिस्पेक्ट टू पी थ्री कहेंगे। इसी तरह से लोअर सम के लिए भी है हमारे पास, लोअर सम में भी हम क्या लिखेंगे, सेम ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लोअर सम ऑफ पी वन प्लस लोअर सम पी टू विद रिस्पेक्ट टू पी टू, ये आ जाएंगे हमारे पास दो रिलेशंस। अब ये हमारे पास किसके इक्वल है, अपर सम माइनस लोअर सम, हम ज़रा देखते हैं किसके इक्वल है, अपर सम पी थ्री माइनस लोअर सम पी थ्री किसके इक्वल आएगा, इसकी वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी है, दोन इसकी वैल्यू क्या थी पी थ्री के रिस्पेक्ट से, कि पी वन और पी टू दोनों का सम था, ये हमारे पास जो अपर सम था पी थ्री के रिस्पेक्ट से वो क्या है, पी वन और पी टू के कॉरेस्पॉन्डिंग सम माइनस एज इट इज़, और इसी तरह से जो लोअर सम है पी थ्री का उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वो भी जो हम पीछे लिख चुके हैं वही जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पी टू एफ अल्फा ये आ जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करें अगर तो ये आ जाएगा अपर सम ऑफ पी वन माइनस लोअर सम ऑफ पी वन, इनको मैंने सेपरेटली लिख लिया, प्लस अपर सम ऑफ पी टू, यहाँ पे ये पी टू है,
माइनस लोअर सम ऑफ पी टू, ये आ जाएंगे। लेकिन ये क्या है अब हमारे पास, चूंकि पी थ्री क्या है, पार्टीशन है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन है एप्सिलॉन से। इट मीन्स और ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी लेस देन होगा एप्सिलॉन से। हमारे पास चूंकि अपर सम ऑफ पी थ्री माइनस लोअर सम ऑफ पी थ्री ये लेस देन है एप्सिलॉन से, क्योंकि हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है था कि अगर आपके पास जस्ट, अब हमने किया क्या है, ये हमारे पास जो पार्टीशन पी थी इसकी हमने रिफाइनमेंट कंसिडर की, हमने देखा कि रिफाइनमेंट के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है, तो जो रिफाइनमेंट है वो एक्चुअली पी थ्री है। यहाँ पे जस्ट मैंने पी थ्री डिनोट किया है, आप पी स्टार भी लिख सकते हैं इसको। तो पी स्टार के लिए आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये लेस देन है एप्सिलॉन से। इट मींस कि ये वाली चीज़ किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से। अच्छा क्यों है ऐसा, क्योंकि देखें ये जो एक्स नॉड से सी तक पोर्शन है ये हमारे पास पी वन है पार्टीशन, और सी से ऑनवर्ड ये वाला जो है ये हमारे पास जो है एक्स एन तक ये क्या है, ये पी टू है पार्टीशन। और पी स्टार क्या है, पी वन और पी टू की यूनियन है, तो पी वन पी टू की यूनियन क्या है, पी स्टार, ये किसके इक्वल है, पी स्टार के इक्वल है। तो इसलिए पी स्टार के लिए हम क्या चेक कर चुके हैं कि ये लेस देन एप्सिलॉन से। इट मींस कि ये लेस देन अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन से है, तो ये होल ओवरऑल जो है ये वाला सम लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन से। ये दो सम्स हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये दोनों लेस देन एप्सिलॉन से हैं। इट मींस कि ये दोनों इटसेल्फ, इन दोनों का सम अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये दोनों इटसेल्फ भी लेस देन एप्सिलॉन होने चाहिए। ये आगे हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन, और ये अगर लेस देन एप्सिलॉन हो तो ये काशी क्राइटेरियन होल्ड करता है। काशी क्राइटेरियन होल्ड करता हो तो क्या होता है, फिर ओनली इफ जो हमारे पास फंक्शन है वो रिमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल होगा, किस पे, ऑन पी वन क्या थी पार्टीशन ए सी पे, इस पे भी, और पी टू क्या थी सी बी इस पे, दोनों के लिए रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। और यही हमने शो करना था कि ये रिमान इंटीग्रेबल है ए सी और सी बी इंटरवल्स के लिए, ये हमने प्रूव कर लिया। अब हम देखते हैं ज़रा इसकी वैल्यू, अब हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यू इसकी, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, जस्ट अब हम इसकी वैल्यू इंटीग्रल की, क्योंकि इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेबल है तो अपर और लोअर दोनों इंटीग्रल्स इक्वल होंगे, तो इसकी जस्ट अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या आएगी। तो करते हैं, कैसे करेंगे, जस्ट अब हम पहले हमने सेपरेटली दोनों का देखना है कि अपर और लोअर सम, अपर सम पी स्टार का, पी स्टार पी थ्री है एक्चुअली, ये चीज यूज कर रहे हैं कि अब जो हमने यहाँ पे लिखी अपर सम पी स्टार का किसके इक्वल है, अपर सम ऑफ पी वन प्लस अपर सम पी टू जो हमने पीछे लिखा था, ये इसके इक्वल है।
जो इंटीग्रल हमने कंसिडर करने हैं उसमें हमने अपर सम्स का इन्फिमम लेना है, तो इन्फिमम ले लेते हैं, इन्फिमम ऑफ अपर सम क्या होगा, इन्फिमम ऑफ पी वन, अपर सम ऑफ पी वन प्लस अपर सम ऑफ पी टू। अब आपने जब सुप्रीमम और इन्फिमम पढ़े हैं तो उसमें हमने क्या देखा है कि इन जो हमारे पास इन्फिमम होता है एफ, बल्कि ए प्लस बी कह लेते हैं, कोई से दो सेट्स हैं ए और बी, इनका जो इन्फिमम है ये ग्रेटर इक्वल होगा इन्फिमम ऑफ ए प्लस इन्फिमम ऑफ बी से। इट मींस कि ये वाला जो इन्फिमम है ये ग्रेटर इक्वल किससे होगा, अगर हम इनका सेपरेटली ले लें उसके साथ से, इन्फिमम ऑफ पी स्टार इज ग्रेटर इक्वल्स टू, जस्ट मैं यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियस है कि एफ और फंक्शन एफ और अल्फा जो हम यूज़ कर रहे हैं फंक्शन, जस्ट पार्टीशन पी चेंज कर रहे हैं इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही, जस्ट पी स्टार ही लिख रही हूँ। सो ये ग्रेटर इक्वल होगा इन्फिमम किसका, अपर सम ऑफ पी वन प्लस इन्फिमम अपर सम ऑफ पी टू। अच्छा, यही इसी तरह से लोअर सम के लिए भी हमने एक रिलेशन लिखा था कि इनका लोअर सम भी दोनों का सेपरेटली लोअर सम के इक्वल होगा, ये भी हमने देखा था। लोअर सम ऑफ पी स्टार हमने क्या देखा था, किसके इक्वल है, लोअर सम ऑफ पी वन प्लस लोअर सम ऑफ पी टू। जब हम इंटीग्रेशन इसमें लेते हैं तो लोअर सम्स का हम क्या लेते हैं, सुप्रीमम, तो इसका सुप्रीमम देख लेते हैं। सुप्रीमम क्या होगा, लोअर सम ऑफ पी वन प्लस लोअर सम ऑफ पी टू, दोनों के सम का सुप्रीमम। इसी तरह से सुप्रीमम के लिए भी हमने रिजल्ट, आपने जाके पीछे आप रिवाइज भी कर सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल किसके होगा, सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। इट मींस कि ये जो है हमारे पास सुप्रीमम ऑफ पी स्टार, लोअर सम ऑफ पी स्टार विच इज़ इक्वल्स टू, ये लेस देन इक्वल होगा, मैं इसको अब सेपरेटली लिखने लगी हूँ, सुप्रीमम ऑफ लोअर सम ऑफ पी वन प्लस सुप्रीमम ऑफ लोअर सम ऑफ पी टू, ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, ज़रा यहाँ से भी लिखेंगे, ये क्या होता है हमारे पास, जो सुप्रीमम होता है लोअर, ये वाला नहीं, चलें पहले इसको ही लिख लेते हैं, अपर वाला पीछे रह गया है। सुप्रीमम ऑफ एल पी स्टार क्या होता है हमारे पास, एक्चुअली जब ये हम सुप्रीमम ऑफ एल पी स्टार लेते हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है किसकी, फंक्शन एफ की, चूंकि हमने लोअर सम लिया है तो हमारे पास ये लोअर इंटीग्रेशन है, लोअर इंटीग्रल है, ये लेस देन इक्वल, फिर किस ये किसके इक्वल है, अगेन ये एफ डी अल्फा, हमारे पास इसका ये इंटीग्रल है, लेकिन ये वाला इंटीग्रल पी वन पार्टीशन क्या थी हमारे पास, ए से सी तक, और चूंकि लोअर सम लिए हैं तो ये लोअर इंटीग्रल है। इसी तरह से यहाँ पे ये सुप्रीमम
ऑफ लोअर सम्स किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल के इक्वल होता है, इंटीग्रल डी अल्फा। और हमारे पास जो लिमिट्स आती हैं वो पी टू, हमारे पास जो पार्टीशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, सी से बी, चूँकि लोअर सम्स हमने लिए थे तो इसलिए ये लोअर इंटीग्रल है। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया यहाँ से कि जो ये इंटीग्रल है ये लेस देन इक्वल है इन दोनों इंटीग्रल्स के। अच्छा, इसी तरह से यही केस हमारे पास जो है वो उसके लिए भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देख लेते हैं, पीछे हमने ये हमने प्रूव किया था कि एफ जो है वो रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल फंक्शन है ए सी और बी सी पे। तो जब ये रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रेबल है तो फिर क्या होता है, इसका अपर और लोअर इंटीग्रल इक्वल होते हैं। इट मींस के ये हमारे पास यहाँ पे अपर इंटीग्रल या लोअर इंटीग्रल हम लिखें वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मीन्स एफ डी एल्फा ए सी इक्वल होगा ए, यानी अगर आप दूसरा वाला ले लें ये वाला डी एल्फा, और ये इसको जनरली आप क्या लिखेंगे, ए से सी एफ डी एल्फा। इसलिए हम यहाँ पे बजाय इसके अपर और लोअर इंटीग्रल लिखने के सिर्फ इंटीग्रल्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एफ जो है वो ए बी पे, ए सी पे और बी सी पे रिमान इंटीग्रेबल है। इट मीन्स कि इसके अपर और लोअर इंटीग्रल्स ए बी, ए सी और बी सी बी पे सेम हैं। तो हम यूँ लिख सकते हैं इसको, एफ डी एल्फा फ्रॉम ए टू सी प्लस सी से बी एफ डी एल्फा। ये एक हमारे पास रिलेशन बन गया। नेक्स्ट अब हम दूसरा वाला पॉइंट कंसिडर करते हैं, दूसरा जो हमने अपर सम्स के लिए लिखा था। अपर सम्स के लिए हमने क्या लिखा था, इन्फिमम ऑफ अपर सम्स। इन्फिमम ऑफ अपर सम्स क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास एक्चुअली इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल एफ डी एल्फा। लेकिन ये इंटीग्रल कौन सा है, अपर हमने सम्स लिए हैं तो अपर इंटीग्रल है। अपर इंटीग्रल पी स्टार पार्टीशन ली है तो लिमिट्स पी स्टार की जो हमारे पास इंटरवल है वो ए से बी है, ए से बी आ जाएगा। अपर सम्स लिए हैं तो इसलिए ऊपर बार आ जाएगा, अपर वाले अपर इंटीग्रल आ जाएगा। मींस तो ये हमारे पास किसके इक्वल है, इंटीग्रल एफ डी एल्फा। चूंकि पार्टीशन पी स्टार जो है वो इंटरवल ए बी पे है और अपर सम्स हमने लिए हैं तो अपर इंटीग्रल आ जाएगा। ग्रेटर इक्वल एज इट इज़ लिखा हमने, ये मैं अब क्या कर रही हूँ, यहाँ से ये चीज़ बनेगी ग्रेटर इक्वल टू। ये भी क्या है, इन्फिमम ऑफ यू यानी इन्फिमम ऑफ अपर सम्स क्या है हमारे पास, ये इंटीग्रल है। इंटीग्रल कौन सा है, फंक्शन एफ था एफ डी एल्फा और पार्टीशन पी वन है। इट मीन्स पी वन का जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक था, ए से सी तक। अपर सम्स लिए हैं तो अपर इंटीग्रल आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाएगा पी टू के रिस्पेक्ट से, ये भी इंटीग्रल एफ डी एल्फा आ जाएगा। ए ये पी टू अब कहाँ से कहाँ तक थी, सी से बी तक, सी से बी, और अपर सम्स लिए हैं तो अपर इंटीग्रल। चूंकि एफ हमारे पास रिमान इंटीग्रेबल है ए से बी पे, ए से सी पे और बी से और सी से बी पे, इसलिए इसका अपर और लोअर इंटीग्रल्स सेम होंगे। तो जर्नल हम फिर उस केस में जर्नल इंटीग्रल लिखते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसलिए अब हम सिंपली ये इसके इक्वल है तो ये हमने लिख लिया सी से बी एफ डी एल्फा, ये आ गया हमारे पास। एक हमारे पास ये वाला रिलेशन बन गया और एक हमने पहले बनाया है ये फर्स्ट वाला, इसको लेट से नाम दे देते हैं वन का और ये टू।
अब वन और टू को देखें तो ए से बी जब हमारे पास एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल्स टू ए से सी प्लस बी से सी, यहाँ पे ए से बी क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी बी, तो दोनों साइड से इनइक्वालिटी हो तो इट मीन्स के वन और टू से आप क्या लिख सकते हैं, वन और टू क्या इम्प्लाई करते हैं कि ए बी एफ डी एल्फा एक्चुअली इक्वल है एफ डी एल्फा फ्रॉम ए टू सी और एंड प्लस फ्रॉम सी टू बी, और यही हमने प्रूव करना था। हैंस ये नहीं, हम क्या कर सकते हैं अगर हमने फाइंड करना हो इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी तो हम स्प्लिट करके भी कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर हमें ए से सी और सी से बी का पता है तो उनको ऐड करके हम ये वाला फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट अब यहाँ पे हमने चेंज की हैं पार्टीशंस, नेक्स्ट में हम फंक्शन को चेंज करके देखेंगे अल्फा को। वो आई थिंक आप खुद करें, कोई उसमें कोई पॉइंट कन्फ्यूजन हो किसी में, कोई पॉइंट समझ ना आ रहा हो तो वो डिस्कस कर लेंगे, तो बाकी फिर हम कुछ इससे नेक्स्ट मज़ीद कोई रिजल्ट्स जो रह गए हैं वो एक आध करवा दूंगी मैं आप लोगों को, तो जो सिंपल होंगे वो आप खुद कर लेंगे।